कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया जयनगर एवं डोमचांच थाना क्षेत्रों में जेवर दुकानों घरों में चोरी एवं मोबाइल चोरी की घटना का उद्भेदन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया। वही चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व चोरी के सामान के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर व दो किशोरों को निरुद्ध कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसी मामले में एक दिन पूर्व इस गिरोह की एक महिला को गिरफ्तार कर व एक किशोर को निरुद्ध कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। मौके पर झुमरी तिलैया थाना प्रभारी रामनारायण ठाकुर, जयनगर थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिन्हा सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। कुछ दिनों से कोडरमा जिला में मोबाइल चोरी एवं जेवरात की दुकान में चोरी की घटना बढ़ी हुई थी, जिसको लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इंस्पेक्टर कम थाना प्रभारी तिलैया के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया, जिसमें जयनगर थाना प्रभारी ऋषिकेश सिन्हा एवं तकनीकी शाखा के स्टाफ सम्मिलित हुए थे। तकनीकी साक्ष एवं अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर इसमें एक गैंग का डिटेक्ट किया गया, दीपक पासी के गैंग का। दीपक पासी के गैंग को डिटेक्ट करने के बाद उसके पास जब पूछताछ किया गया उससे, तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि वे गोमिया में रहते हैं और अपने बाल बच्चों के साथ परिवार के साथ बांडिंग गैंग के रूप में जो तो घूमते रहते हैं और मांगकर खाना वगैरह खाते हैं। मांगकर के क्रम में ही ये जो है लोग घर का रेखी करते हैं, दुकान का रेखी करते हैं और जिस दुकान में बंद पाते हैं उसमें ये लोग मौका देख करके चोरी के बाजार अंजाम देते हैं। साथ ही साथ भीड़भाड़ वाले जगहों में ये मोबाइल चोरी भी करते हैं। गिरोह में कौन कौन लोग हैं, बच्चे का क्या रोल है? बच्चा जो है वे लोग जाता है भीड़ भाड़ में पॉकेट से या दुकान से कहीं से जो है मोबाइल ले लेता है और वे लोग जो है खाना मांगने के नाम पर जाकर घर के वो लोग भी साथ में रेखी करता है और बताता है अपने पेरेंट्स। क्या कुछ बरामद हुआ है सर? बरामद हुआ है 4 मोबाइल, एक खंती जो जिसके सहारे ये लोग जो है सटर से दरवाजा को तोड़ता था, और हीरो डी में जो दुकान में चोरी हुई थी जवाहर की दुकान में उसका 10 को खाली डब्बा और चांदी का एक दिया, चांदी का 2 अंगूठी और जो सामान थे जो बहुमूल्य सामान थे वो दीपक पासी का बेटा पवन पासी और धीरज पासी जो है लेके चला गया बेचने के लिए, जिसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते। प्रयास जारी है रिकवरी के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।